दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम खाना खा रहे हैं, जिस प्रकार का खाना खा रहे हैं, होटलों से खाना खा रहे हैं, ठेलों से खाना खा रहे हैं, एक बार हमें वो चखता जरूर लगता है, लेकिन आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है कि इसने हमारे शरीर में कितना नुकसान किया है। अरे हमने खाया था खाना, खाना वो होता है, आज वो खाना मिलता ही नहीं है। घी खाते थे हम शर्त लगा के घी खाया करते थे, आज भी मैं घी खा रहा हूं। और जितना आप एक महीने में खाते हो, इतना तो मैं दो टाइम में खा जाऊंगा, ये मजाक की बात नहीं है। तो दोस्तों अच्छा खाना खाइए, अच्छे माहौल में रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी आप स्वास्थ्य का गुणलाभ बता सकेंगे। दोस्तों हमें पता नहीं चलता कि कब बहुत से रोग हमारे शरीर में आके घुस जाते हैं, तब पता चलता है जब ये लाइलाज हो जाते हैं, फिर हमारे पास में कहीं भी भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। कहीं आपका किडनी तो खराब नहीं हो रहा है? किडनी खराब होते वक्त पता नहीं चलता कि किडनी आपका खराब हो रहा है? थोड़े से इसके संकेत होते हैं, अगर उन संकेतों से हम सचेत हो गए तो हमें पता चलेगा कि हमारा किडनी खराब हो रहा है। हम कुछ भी नहीं करते लेकिन बेवजह हमारे अंदर थकान आ जाएगी, हम अपने आप को थका हुआ महसूस समझेंगे, तो ये मानिए कि हमारी किडनी के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो गया है। बिना मतलब हम किसी भी छोटी सी बात पर, छोटी से छोटी बात पर भी हमें गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर, तो ये मान लीजिए कि हमें हमारी किडनी संकेत दे रही है किडनी वीक होने का। तीसरा नंबर, हमारे कमर में दर्द चालू हो जाता है। हमारी किडनी खराब होती है तो हमारे कमर में दर्द रहने शुरू हो जाता है। कई लोग कह देते हैं यार कमर में दर्द है क्या करें, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हमारी किडनी खराब हो सकती है। किडनी खराब पूरी हो जाती है तो ये हमें डायलिसिस तक पहुंचा देती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। और आपको पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना कितना महंगा है, आम आदमी के बस बूते की बात नहीं है। तो हमें पहले से ही सचेत रहने पड़ेगा कि किडनी खराब हो रही है। आगे संकेत बता रहा हूं आपको कि हमें बार बार यू जी घबराने का, ऐसा लगेगा जैसे उल्टी हो रही है, तो उल्टी करने का सा मन होता रहेगा। ये सोच लीजिए कि हमारी किडनी के ऊपर कोई न कोई रोग ने डेरा जमा लिया है, हमारी किडनी वीक हो रही है। अगर हमें बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब करने के लिए बार बार हमें पेशाब त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, या पेशाब में जलन हो रही है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारी किडनी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हम गर्मी में बैठे हों, गर्मियों का मौसम हो, तो भी कई बार हमें अचानक ठंड महसूस होने लग जाती है। ठंड महसूस हो गर्मी में भी तो भी हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि हमारी कहीं किडनी खराब तो नहीं है, तुरंत जाके चेक करवा के सही निष्कर्ष पे पहुंचना जरूरी होता है। जिसकी किडनी खराब हो रही है, होनी चालू हो गई है, तो किडनी का काम होता है खून को फिल्टर करना। गाड़ियों में फिल्टर चौक हो जाते हैं, गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है और वही हमारे अंदर होने लग जाता है, फिल्टर खराब हो जाता है हमारा, जिसको गुर्दा कहते हैं, किडनी कहते हैं, ये खराब होने लग जाता है। तो जब ये खराब होगा तो ये सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं करेगा और उसके अंदर जो जहरीले टॉक्सिन्स है, यूरिया वगैरह जो चीजें हैं, उनको ये बाहर नहीं निकालने पाएगा और वो वापिस खून के साथ में मिलके शरीर में दौड़ने लग जाएगा। तो वो खून जब शरीर में जाएगा तो हमारे हाथों पैरों में, और सुबह उठेंगे तो आंखों के चारों तरफ हमें सूजन महसूस होगी, कई बार होठों पे भी सूजन महसूस होगी, और हम
अगर गाड़ी बस में बैठे हैं, पैर लटका के बैठे हैं, तो हमारे तुरंत पैर सूज जाएंगे, तो ये सोच लो कि हमारी किडनी खराब होने जा रही है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करने की बात होती है। ध्यान रखिएगा, हमारा ब्लड प्रेशर अगर हाई रहने लग गया, अचानक हाई रहने लग गया है, दवाई लेने के बाद में भी लो नहीं हो रहा है, अपने स्थान पे नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि बार बार ब्लड प्रेशर आपका हाई होना भी किडनी खराब होने का संकेत दे रहा है, आपका किडनी खराब हो सकता है। आप में अचानक खून की कमी हो जाना, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं, हमारे अंदर जब खून की कमी आना शुरू हो जाए, तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा ये किडनी खराब तो नहीं हो रहा है, तो इसकी तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। और आखिर मैं आपको दसवां नंबर पे बताऊंगा कि जिस किसी के अचानक कहीं भी खुजली आनी चालू हो जाए, जहां भी हम यूँ खुजली करेंगे तो ये उंगलियों के पोरों के निशानियों लाल होते हुए हमारे छप जाएंगे, तो ऐसा होने लगे, खुजली तो कई प्रकार की होती है, खैर हर एक खुजली इसका मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो खुजली जो कभी भी चालू हो जाए, तो हम जैसे ही यूँ खुजाएंगे तो पूरे के पूरे यहां से लेके यहां तक निशान बन जाएंगे लाल कलर के, तो ये भी किडनी खराब होने का संकेत है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी आपके अंदर संकेत आ रहा है, तो किडनी के लिए तुरंत जाइए, जांच कराइए, और किडनी खराब हो रही है तो तुरंत, मैंने बहुत से नुस्खे बताए हैं कूट किडनी के, आप किडनी के लिए वो नुस्खे लीजिए, घबराना नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। अगर मेरे बताए अनुसार आप नुस्खे लेंगे तो जरूर और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो बताना मेरे को कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।